हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको रिस्पॉन्सिव रीसाइज के बारे में बताने वाले हूँ, जो एडोब एक्सडी में ये ऑप्शन है। और ये क्या करता है, ये आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्स करता है। लेट सपोज हमने एक वेब स्क्रीन बनाई है और उसे हमें मोबाइल व्यू में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या कर देगा, उसको रिस्पॉन्सिव बना देगा। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ, तो सबसे पहले मैं एक बटन बना रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, टेक्स्ट ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक बटन क्रिएट किया है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा रिस्पॉन्सिव रीसाइज का, ये यहाँ से ऑन है। और अब अगर मैं इसको इस तरीके से स्केल करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अपने अकॉर्डिंग इसको रिस्पॉन्स कर रहा है। और मैंने यहाँ से इसके टेक्स्ट को, ये जो हमारा टेक्स्ट है उसको मैंने यहाँ से अभी के लिए लेफ्ट अलाइन किया है। तो जब मैं इसको स्केल करूँगी, दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं, अब मैं इस तरीके से इसको रिस्पॉन्स कर रही हूँ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से इस टेक्स्ट को क्या कर रहा है, बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा है इस तरीके से। और अगर हम ये ऑप्शन ऑफ कर देते हैं तो अब हम देखते हैं ये क्या करेगा। अब आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, टेक्स्ट को चेंज कर दे रहा है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है अब यहाँ पे। तो अब आपको पता चल गया कि ये रिस्पॉन्सिव रीसाइज क्या करता है, आपके डिजाइन को क्या कर देगा, आपके पेज के अकॉर्डिंग, डिजाइन के अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स बनाता है। तो मैं यहाँ से इसे ऑन करूँ और अब हम इस पेज पे रिसाइज करके देखेंगे। मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया और यहाँ पे एक और स्क्रीन ऐड कर रही हूँ मैं, और इसे हम क्या करेंगे, मोबाइल साइज का कर देंगे। तो मैंने यहाँ से डबल क्लिक किया और इसे हम यहाँ से ऑन कर देंगे। और अब अगर मैं इसको रिसाइज करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसके प्लेस को अपने आप मूव कर रहा है। मैं जैसे ही पेज का साइज चेंज कर रही हूँ ये अपने अकॉर्डिंग उसको क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। अगर मैं और छोटा साइज कर दूं तो ये क्या करेगा, उसको बटन को भी और मैनेज कर देगा, सेंटर में अलाइन कर दे रहा है ये उसी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे एक मैनुअली का भी ऑप्शन है, यहाँ पे अभी हमने ऑटो पे कर रखा है, और अगर आप इसको मैनुअली पे क्लिक करते हैं तो आप इसे मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे फिक्स टॉप कर रही हूँ, इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये टॉप से इतना फिक्स हो जाए, तो मैंने यहाँ से इसे फिक्स टॉप कर दिया है। और अब अगर मैं पेज का साइज मूव करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टॉप पे बिल्कुल फिक्स हो गया, बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है। ये इस साइड तो मूव होगा बट टॉप से क्या है, फिक्स हो गया है। और अब मैं इसको इस साइड से भी फिक्स कर रही हूँ मैन्युअली, तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और इसे यहाँ से फिक्स लेफ्ट कर दिया है। और अब अगर मैं इसको चेंज करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों को कर देते हैं, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, ना ये टॉप से मूव कर रहा है ना ही ये लेफ्ट से मूव कर रहा है, अगर हम इस तरीके से देखें। और यही अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने इसे मैन्युअली नहीं किया हुआ है, ऑटो पे है, इसको हम पहले यहाँ से ऑटो पे कर देते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें यहाँ से इसे ऑन कर दिया मैंने, तो अब अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ, पेज का साइज बड़ा छोटा करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हर तरीके से मूव हो रहा है। और इसी पेज पे हमने इसे मैन्युअली इसको फिक्स किया हुआ है टॉप से और लेफ्ट साइड से, तो ये क्या कर रहा है, स्टिल है। ऐसे ही हम एक वेब स्क्रीन बनाएंगे यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ।
तो मैं यहाँ पे डमी टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ, उसके लिए हम टेक्स्ट टूल लेंगे और एक स्क्वायर क्रिएट करेंगे इस तरीके से, और मैं यहाँ पे इसका साइज छोटा कर रही हूँ। को हम सेंटर अलाइन ही कर देते हैं। तो मैं इसको अब यहां पे रिपीट कर रही हूं इस तरीके से, आपको बस क्लिक करना है और यहां से आप इसको रिपीट कर पाएंगे और इसकी गैपिंग को मैनेज कर सकते हैं। रिपीट टूल के बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, आप मेरी लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसे अनग्रुप कर रही हूं। तो ये मैंने एक वेब स्क्रीन का डिजाइन बना दिया है और अब हम इसे मोबाइल में कन्वर्ट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये रिस्पॉन्सिव रीसाइज वाला ऑप्शन मोबाइल पे काम करता है या नहीं। क्योंकि अगर हम अभी के लिए इस पे अप्लाई करें, मैंने यहाँ से इसे ऑन कर दिया, तो अब अगर इसको पहले मैं ग्रुप कर रही हूँ, तो अब अगर हम इसे स्क्रॉल करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, उसकी गैपिंग को डिजाइन के अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्सिव बना रहा है। मैं इसका पेज का साइज जितना बड़ा ले रही हूँ, छोटा ले रही हूँ, ये क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको सेट कर रहा है। और इसको अंडू कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसकी एक डुप्लीकेट ले रही हूँ और इसे हम मोबाइल व्यू में कन्वर्ट करेंगे और इसमें चेक करते हैं कि क्या ये रिस्पॉन्सिव कर पाएगा इसको। तो मैं यहाँ से इसको ऑन कर रही हूँ और अब मैंने इसको स्क्रॉल किया मोबाइल व्यू साइज के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका रिजल्ट कि ये इसको ओवरलैपिंग कर दे रहा है। नॉर्मली इसको इस स्क्वायर को एक के नीचे एक आना चाहिए था मोबाइल व्यू के अकॉर्डिंग, बट ये एक के ऊपर एक आ रहा है और इसने क्या किया, इसको ओवरलैप कर दिया है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये इस चीज पे काम नहीं कर रहा है, नॉर्मली ये बटन्स पे या छोटी मोटी चीजों पे ही काम करेगा। तो आप इससे पूरा वेब को मोबाइल व्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर मैं इस स्क्वायर पे करूं, इसको अप्लाई करूं, इसको हमने सेलेक्ट किया और अब मैं इसको अगर स्क्रॉल कर रही हूँ, तो अब आप ये देख सकते हैं ये टेक्स्ट को क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिव कर रहा है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है और उन्हीं चीजों पे यूज करना है इसे जो जिसको ये रिस्पॉन्सिव कर पाए। नॉर्मली आप इसको ऑन रख सकते हैं ताकि ये आपके डिजाइन में यूजफुल हो और आपको काम आए। तो आई होप आप लोगों को ये रिस्पॉन्सिव रिसाइज वाली क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।